का चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, जिसमें बजरंग दल को पीएफआई जैसे आतंकवादी और देश विरोधी संगठन से कंपेयर किया, उसके विरोध में आज बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ के हर एक जिला में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। और कांग्रेस पार्टी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर एक विषय में, चाहे वो कोई भी विषय हो, वो हिंदू समाज के विरोध में क्यों बोलती है। ये बजरंग दल के ऊपर वार नहीं था कांग्रेस पार्टी का, ये वार पूरे के पूरे हिंदू समाज, हिंदू संगठनों के लिए था। ये वह बजरंग दल है जो लाखों लाखों गायों को बचाती है कत्ल खाने में जाने के लिए, उसके बाद भी ऐसे संगठनों को आतंकवादी संगठन से कंपेयर किया जाता है। ये बहुत शर्मनाक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। पुतला दहन किसका किया गया है? पुतला दहन कांग्रेस पार्टी का किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का किया गया है, और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी है उनको ये संदेश दिया गया उनके झंडे को जला के कि अब वो सुधर जाए, नहीं सुधरेंगे तो इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन बजरंग। मेरा नाम दिलीप कुमार साहू, ग्राम देवपुर, बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता। आज जो हमारे कर्नाटक चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो बनाया गया है कांग्रेस द्वारा, जिसमें बजरंग दल का जो जोड़ दिया है पीएफआई के साथ, जो गाय काट कर खाता है उसको गाय का संरक्षण करने वालों के साथ जोड़ दिया है, बहुत बड़ा अन्याय है। हम यही देखते हैं कि बजरंग दल आज देश में कोई भी विपदा या कोई भी कोई चीज़ आता है, वहाँ बजरंग दल खड़े होकर जितना भी हमारे साथी है, हमारे समाज है, उसके हित के लिए हमेशा कार्य करता है। जो भी मुसीबत हो उसमें कार्य करता है। आज पीएफआई का कोई यह नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई संगठन जैसे कि जो सही कार्य करे देश के लिए या जनता के लिए, उसके साथ बजरंग दल को जोड़ना बहुत बड़े है, हमारे देश का भी अपमान है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी कांग्रेस पार्टी जो भी मैनिफेस्टो बनाए उसको परिवर्तन करे और माफ़ी मांगे। अब कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या? देखिए, अगर बजरंग दल को विरोध था तो विरोध करें, विरोध का हमको कोई मनाही नहीं है। विरोध के लिए अगर आपको पुतला दहन करना है तो पुतला दहन का भी चयनित स्थल है, सरकार ने स्थल चयन किया हुआ, वहाँ तक करें। अगर उन लोग राजीव भवन में घुसने का प्रयास किए हैं तो ये निंदनीय है और ये अच्छी राजनीति नहीं है और इसको हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम तत्काल प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जो लोग राजीव भवन में घुसने का प्रयास किया है तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल के लोगों की निंदा भी करता हूं और प्रशासन से पुनः आग्रह करता हूं कि जो लोग राजीव भवन के अंदर आए तत्काल कड़ी कार्रवाई करें। एफआईआर करवाएंगे? जरूर करवाएंगे।